Hey guys, welcome back to Indus Vlogs. This is Abhishek here with you, and right here, right now, the Himalayan explosion has started. The pain. So this vlog is kind of a continuation of our previous vlog. If you have watched our previous vlog, we have had a wonderful journey from Dubai to Taiwan Airport by Emirates A380 Business Class, and it was very, very comfortable, very soothing. So if you haven't checked out our previous vlog, I'll just give a link in the I button, which will appear somewhere here. So right now we are standing at Airport Terminal 1 Metro Station, and we are waiting for a train which will take us to Taipei Main Station, from where we have to catch a taxi which will take us to the hotel. So Swagata is not appearing in the screen because she's just seated there. She's kind of a little tired because it was almost 9 hours journey, and we have a lot of luggage over here. So Swagata, are you feeling tired? Thoda bahut. एक्चुअली मेरा प्लान था कि डायरेक्ट टैक्सी से जाने का, फिर तूने ट्रेन का क्यों सोचा? लेकिन अपने पास बहुत सारा बैगेजेस भी है, तो चलो शुरू से ही एक्सप्लोर करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो स्वागत है, अभी नेक्स्ट प्लान क्या है, इधर से कैसे जाने का है? देख के यहाँ पे तो पूरा चाइनीज में ही लिखा है. अभी हमको शिलिन विलेज जाना है. अभी वो सिक्योरिटी को पूछा, वो बोल रहा है कि एमटी से बस के लिए अभी हमको यहाँ से लोग बिजनेस क्लास से उतरते और सीधा पॉश कार से घर पे जाते हैं, होटल में जाते हैं. तू पहली है जो मेरे को बिजनेस क्लास के उतरते ट्रेन से लेके आ रही है. एक्सप्लोर करें ना, इसलिए तो हमको सब जानकारी मिलता है, नॉलेज मिलता है कंट्री का. चलो नेक्स्ट टाइम तो अकेला आएगा तो तू अकेला घूम सकेगा. नेक्स्ट टाइम फिर से हर एक कंट्री में दो दो बार थोड़ी जाते हम लोग सिर्फ. हाँ तो क्या हुआ, आने का और सब घूम के जाने का. चलो अभी So by now we have just spent a couple of hours in Taiwan, and one thing we have realized, the people here are very helpful, very modest, very polite as well. So what did you ask him? Well, there was one security guy at the metro station, और इसने उसको कुछ क्या क्या पूछा? मैंने उसको पूछा कि एमटी से बस कैसे जाना है, तो वो उसके लैंग्वेज में मुझे बता रहा था, मुझे नहीं समझ रहा था, और मैं उसको बोल उसको थोड़ा थोड़ा समझ रहा था, तो वो उसने हमको डायरेक्ट यहाँ पे आके छोड़ दिया. ओए, जिधर बस स्टॉप है उसके एकदम नजदीक आके छोड़ दिया. थोड़ा सा ही वॉक करने का अभी और एमटी सी बस स्टॉप आ जाएगा. सो दैट गाय देयर इज जस्ट हेल्पिंग हर आउट विद सम एड्रेस. सो एज आई सेड, पीपल हियर आर वेरी हेल्पफुल. So guys, right now we are in Taipei City. और अभी हम ताइपाई मेन स्टेशन पे खड़े हैं. इनफैक्ट ताइपाई मेन स्टेशन से जस्ट बाहर आ चुके हैं, और अभी मैंने इसको बताया कि अच्छा है, ज्यादा ह्यूमिड नहीं है ना. हाँ एग्जैक्टली, रात का टाइम है इसलिए प्रॉब्लम. अभी अच्छा है यार, वेदर तो अच्छा है, अब तक तो अच्छा है, कल पता नहीं सकते. तो अभी प्लान ये है कि हम सीधा टैक्सी करके निकल जाएंगे, क्योंकि अभी बस मेट्रो पे नहीं, बस और मेट्रो के चक्कर में नहीं पड़ सकते. तो चलो अभी सीधा टैक्सी स्टैंड दिख रहा है मेरे को. हाँ टैक्सी स्टैंड है. ये क्या बिग बस टूर जैसी है क्या? हाँ,
सिटी एकदम जगमग लग रहा है। ये तो अभी चालू है, स्विमिंग करके कुछ तो है वहाँ पे, तो बहुत लाइक तुझे टाइम स्क्वायर का वहाँ पे फीलिंग आ जाएगा। तो चलो देखते हैं अभी। तो स्वागत है, इस टाइम लगता है तूने स्टडी बहुत इन डेप्थ की है। हाँ, क्योंकि ये चाइनीज के अंदर लैंग्वेज का भी बैरियर है, इसलिए मैंने सोचा कि प्रिंट आउट निकाल के फॉलो कर दे, राइट, क्योंकि लोगों को वहाँ पे उनका लैंग्वेज भी दिखा, वो पढ़ के वो लोग बता रहे मेरे को। तो चलो अभी टैक्सी पकड़ते और घर पे जाते हैं। तो वो है अपना टैक्सी स्टैंड। स्वागत है, चल। देखते अभी रूम कैसा मिला है हमको, राइट? मेरी से ओपन कर किधर है, खुल जा सिम सिम। तो ये रहा हमारा रूम, टडान, पूरा अंधेरा है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम ये रूम खराब करें पूरी तरह से, हम एक रूम का टूर दे देते हैं। आते ही है हमारा एक बाथरूम जो कि काफी स्पेशियस है और टब बाथ भी मिला है, सो दैट्स गुड थिंग। फिर इसके बाद है हमारा छोटा सा सोफ़ा जो कि शायद शूज़ पहनने के लिए, शूज़ निकालने के लिए काम में आएगा। और ये हमारा लिविंग रूम, बेडरूम, सब कुछ। सो ये है किंग साइज बेड और उसके एग्जैक्टली सामने है मिरर स्वागता को मेकअप करने के लिए, और उसके सामने है टीवी भी। तो टीवी भी अच्छा खासा बड़ा फ्लैट स्क्रीन है, कुछ यूज नहीं करने वाले शायद, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलने वाला, खाली यहाँ पे सोने के लिए हम लोग आने वाले, इतना हमको एक्सप्लोर करना है। वो भी राइट है। और एक बात, ये होटल ने क्यों चूज किया पता है, क्योंकि यहाँ आजू बाजू में 7-Eleven है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास में, इसलिए ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है होटल चूज करने के लिए। तो स्पॉन्सरबिलिटी तो है नहीं जैसा कि मैंने कहा, लेकिन हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अगर आपको इधर आना रहेगा तो, क्योंकि इधर से मेट्रो स्टेशन भी नजदीक है। कौन सा MRT स्टेशन नजदीक है इधर से? शानडाउन टेम्पल ऐसा कुछ तो है। हाँ, वो MRT स्टेशन नजदीक है, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि ताइपाई स्टेशन तक अपने को कैसे भी करके पहुंचने का, उधर से पूरा ताइवान कनेक्टेड है, हाई स्पीड रेलवे, MRT स्टेशन। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी रोड्स पे चाइनीज में लिखा हुआ है। और अभी हम जिधर जाने वाले हैं वो है 7-Eleven, राइट? किधर जाना है तेरे को? 7-Eleven ओपन है। जैसे इसको 7-Eleven दिखता है वो खुश हो जाती है। थाईलैंड में भी है। हाँ, थाईलैंड में और किधर किधर? यूएस में है। और तेरा सब कुछ मिल जाता है उधर? सब कुछ मिलता है। देखो कितनी भीड़ है अभी भी, रात के 10 बजे। अभी जो स्वागत है कुछ चाहिए वो है ग्रीन पाउडर, फेस पाउडर। प्रॉन्स फ्लेवर के सीफूड फ्लेवर। लेकिन तेरा श्रावण चल रहा है। इस मार्ट से उस मार्ट में ओके वहाँ स्वागत, मुझे नींद आ रही है बहुत, चल घर पे। सो स्वागता ने इस होटल को पूरा घर बना दिया है, क्योंकि उसको फास्ट ब्रेक करना है, तो आज का खाना घर पे होने वाला है। तो चलो, क्या बना रही है स्वागता? अभी ये जो राइस बन, ये तो राइस बन रहा है पक्का, और ये आलू मटर रेडी टू कुक। अरे वाह, तो इससे तेरा फास्ट टूट जाएगा, उसके बाद हम लोग कुछ भी खा सकते हैं बाहर। हाँ, कुछ भी खा सकते, लेकिन ये ट्रिप मेरा पूरा वेगन होने वाला, क्योंकि श्रावण चल रहा है। तो हाँ, आप ऐसे मुझे इस बात में आपको बताना, आप ऐसे इंडक्शन गैस आप लेके आ सकते हैं, और ये स्पेशल उसका पॉट है वो लेके आ सकते हैं। तो मतलब कैसे, जो ऐसे कोई चाइनीज कंट्री है, थाई कंट्री है, आप बाहर खाने के लिए थोड़ा डर रहे हो, तो ऐसे बैकअप के लिए आप रख सके, इसलिए आपको लाइफ एकदम ईजी जाएगा। यस, इसे कहते हैं स्मार्ट वुमन, है कि नहीं? थम्स अप, टेक द थंडर। तो आज का वीडियो हम इधर ही बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत थके हुए। तो फटाफट से, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करो, क्योंकि बॉस कल के वीडियो फाड़ू आने वाले, राइट? और कमेंट भी करने बोल। हाँ, कमेंट तो करना चाहिए यार, कमेंट तो आप करो ही करो,
कुछ भी हो करो यार, कमेंट करो, अभी सोने का